अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी, व्लॉग मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर जो है ना सुबह का टाइम हो रहा था, तो मैं आई थी किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो मेरे बच्चों ने कहा कि ना हमारे लिए तो कुछ भी मत बनाइए, हम जो है ना आज नूडल्स खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर खुद ही तुम लोग जो है ना अपने लिए नाश्ता वगैरह बना लो। मैंने अपने लिए यहाँ पर नाश्ता बनाया और यहाँ पर मेरी हाउस हेल्प आ गई थी, तो उसको मैंने दे दी सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए, क्योंकि जो है ना नाश्ते के साथ साथ दोपहर के खाने का भी जो है ना देखना होता है कि क्या है और क्या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बच्चों ने अपने लिए नूडल्स भी तैयार कर लिया था। और बस सुबह जो है ना उठो तो बस यही टेंशन रहती कि दोपहर में क्या बनेगा, दोपहर में अगर कुछ बन जाए तो फिर ये टेंशन होती कि अब डिनर का क्या। तो बस ये रोज़ का ही जो है ना एक बहुत बड़ा मसला है। तो खैर, मैंने यहाँ पर जो है ना चिकन के साथ दिखेगा इसे बनाया है, पम्पकिन को, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े का लगता है ये। और इसे बिना चिकन के आप सब्ज़ी की तरह भी जो है ना बना सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेस्टी लगता है चावल के साथ। और काफ़ी सारे लोग तो इसे पूरियों के साथ भी खाते हैं। खैर, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, मगर मैंने देखा है कि ना पूरियों के साथ पम्पकिन की जो सब्ज़ी है ना लोग खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी देखेगा सब चीज़ें यूँ बिखेर के गई हुई है। मैंने उसको टॉवल वगैरह ला कर दिया है कि तुम फ्रेश होकर आओ, उसे जाना है ट्यूशन के लिए, क्योंकि बच्चों के जो है ना पेपर चल रहे हैं, तो काफ़ी टाइम जो है ना लगा कर बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन से। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह धुल गए थे, और बाकी जो है ना किचन की जितनी भी क्लीनिंग का काम होता है वो सारा भी जो है ना मैंने यहाँ पर निपटा लिया था। और बस जी, यहाँ पर जो है ना हो गया था लंच का टाइम, तो बस खाना मैंने लगा दिया है। बहुत ही मज़े का जो है ना ये सालन बना था चिकन के साथ पम्पकिन। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसमें ड्राई पुदीना एंड में ज़रूर डालना है आपने, इससे जो है ना इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ में देखिएगा, मैंने बीट रूट के जो है ना थेपले भी बना लिए थे, तो ये जो है ना काफ़ी हेल्दी होता है और मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। और इस तरह से जो है ना ये बीट रूट खाने में भी आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हो जाता है नेक्स्ट डे। यहाँ पर मैं रख रही हूँ ग्रोसरी वगैरह, ब्रेड वगैरह, बन, जो भी चीज़ें आई हुई ना, तो बस उन्हें जो है ना स्टोर करके जगह में रखना है मुझे। चीज़ की स्लाइस है, और ये फूड कलर है कश्मीरी लाल मिर्च है, और हींग तो जो है ना मस्ट है। जैसे ही ख़त्म होता है ना मैं इसे फ़ौरन से मंगा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने आज वॉशिंग मशीन लगानी थी, तो बस कपड़े वगैरह मैं अलग करके रख रही हूँ। लाइट कलर के कपड़े अलग हैं और डार्क कलर के कपड़े अलग, और कर्टन्स को जो है ना उसके छल्लों को मैं इस तरह से इकट्ठा करके जो है ना मैं इसके अंदर देखिएगा सॉक्स डालूंगी, और सॉक्स से जो है ना इसे बांध लूंगी। इस तरह से क्या होगा ना कि मशीन के अंदर ये टूटेंगे फूटेंगे नहीं, वरना जो है ना इसके रिंग्स कई बार खो जाते हैं या फिर जो है ना टूट जाते हैं। अच्छा, जब से मैं ये हैक कर रही हूँ ना, तब से मेरे सारे कर्टन्स बिल्कुल साफ़ सुथरे निकलते हैं, और बिल्कुल भी जो है ना उसके छल्ले ना टूटते हैं ना ही कहीं खोते हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि ना छल्ले टूट जाते हैं या फिर खो जाते हैं, तो फिर वो पर्दे जो है ना दिल से भी उतर जाते हैं, दिल ही नहीं चाहता कि उनको जो है ना यूज़ किया जाए। तो बस यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह जो है ना मैं रख रही हूँ, और हस्बैंड देखिएगा तरह तरह के पापड़ लेकर आए हैं, जैसे रमज़ानों में आते हैं ना। मैंने कहा ये क्या हो गया, आप कहीं रमज़ान को मिस तो नहीं कर रहे? तो कह लेंगे नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था और ये मिल रहे थे तो मैं ले आया हूँ। तो बस ये जो है ना चीज़ें मैं जगह पर रख के, और उसके बाद जो है ना हमने जाना नाश्ता करने के लिए बाहर। तो बस जो है ना काफ़ी टाइम बाद हमने टाइम निकाला है, वरना बच्चों के पेपर वेपर हो रहे हैं ना, तो बस बाहर निकलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हमने सोचा कि इकट्ठे नाश्ता कर लेंगे, इडली डोसा वगैरह जो है ना हम काफ़ी मिस कर रहे थे बाहर का, स्पेशली घर पर तो बना ही लेते, मगर बाहर भी जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े के मिलते हैं। हमारे घर के पास ही है ये शॉप। तो जी, बहुत ही यम्मी सा हमने नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद दिखेगा शॉप के बाहर जो है ना ये बुके वाले भैया बैठे हुए हैं, तो मेरी बेटी जो है ना ज़िद करने लगी कि रोज़ लेना है, तो बस उसके लिए जो है ना हम यहाँ पर रुक गए थे। और बस जी, घर आने के बाद जो है ना फिर दिखेगा ये वॉशिंग मशीन लगा ली थी मैंने, कपड़े शपड़े जो है ना यहाँ पर धुल रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना कपड़े धोते धोते शाम का टाइम हो गया, और खाने का कोई होश नहीं रहा, और बाहर होने लगी बारिश, तो मुझे सारे कपड़े जो है ना घर के अंदर ही फैलाने पड़े। तो बस रोप लगा के जो है ना मैंने सब तरफ जो है ना कपड़े डाल दिए, तो पूरे घर में जो है ना जगह जगह कपड़े कपड़े हो गए हैं। तो बस मेरी बेटी ने ना यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह कट करके मुझे दे दिया था, क्योंकि सुबह जो है ना हमने हैवी सा नाश्ता किया था डोसा वगैरह का, तो ना फिर लंच का दिल भी नहीं चाह रहा था हमारा। अच्छा जी, यहाँ पर हो जाता है शाम का टाइम, और हस्बैंड जो है ना आ गए थे, तो बस उनके लिए जो है ना मैंने चाय नाश्ता बनाना था, तो यहाँ पर पापड़ वापड़ जो है ना मैं जो भी लेकर आएँ उनको फ्राई करके दे रही हूँ।
अच्छा, ये येलो वाले जो फ्राइम्स है ना, शायद आप लोगों को भी याद हो, बचपन में हम सब ने ज़रूर खाए ये फ्राइम्स। उंगलियों में ना फंसा फंसा कर जो है ना हम खाया करते थे इसे। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और बस अब सीधे से आप लोगों को बहुत बढ़िया सी जो है ना रेसिपी दे रही हूँ। आज जो है ना मैं हेल्दी सा पनीर रोल बनाऊँगी बच्चों के लिए ख़ास। तो मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम रोल के लिए जो है ना, यानी कि उसकी जो रोटी होगी ना वो सिंपल सी रोटी होगी जो कि हर घर में बनती है, गेहूँ की जो रोटी है। अच्छा, यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी कट करने के लिए कि ना मम्मा मुझसे कटवाइएगा आप ये पनीर, तो उसे जो है ना मैं समझा रही थी। अच्छा जी, ये मेरा अपना तरीका है बनाने का, तो आप लोग जो है ना इसे ट्राई करना चाहे तो ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, कुटी हुई इसमें मिर्च डाली है, गरम मसाला है, चाट का मसाला है, काला नमक है, और इसमें देखिएगा पिसी हुई मिर्च भी जाएगी, थोड़ी सी हल्दी जाएगी रंग के लिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका जो है ना अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे, और उसके बाद सारे पनीर के टुकड़े इसमें डालकर इसका जो है ना एक अच्छा सा मैरिनेशन करना है आपने, और इसको जो है ना आधे घंटे के लिए रख देना है उठाकर। अच्छा जी, रोल के अंदर जो है ना जितने भी आपने वेजीज का इस्तेमाल करना है करिएगा। मेरे पास खीरा है, मैंने खीरा लिया है, शिमला मिर्च काट लिया है मैंने, और प्याज है, हरा धनिया है, और पुदीना है। आप अपनी पसंद की जो है ना कोई भी वेजीज इसमें डाल सकते हैं, जितने भी वेजीज होंगे ना अच्छा ही है, हेल्दी होगा वो। अच्छा जी, यहाँ पर एक जो है ना अच्छा सा डिप हम तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने देखिएगा लिया है योगर्ट, 2 से 3 चम्मच मैंने योगर्ट का ले लिया है, और बस इसके अंदर जो है ना मैंने मस्टर्ड सॉस डाल दिया है, और थोड़ा सा जो है ना मैंने चीज़ सॉस भी डाला है इसमें। बस इसे जो है ना अच्छी तरह से हम विस्क विस्क कर लेंगे, और इसमें देखिएगा मस्टर्ड सॉस की वजह से जो है ना कलर भी बहुत अच्छा सा आया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्रिल पैन, थोड़ा सा इसमें जो है ना मैं ऑयल डालूंगी और पनीर के टुकड़े जो है ना इसमें रख दूंगी, शेलो फ्राई हो जाएगा ये। बस आपने जो है ना इसको पलटते रहना है, बस ये जले ना, ये गोल्डन ब्राउन हो जाना, तो बस इसको जो है ना पलट दीजिएगा। तो बस जी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जो है ना इसमें कलर आ गया है, और बहुत ही जो है ना बेहतरीन सा पनीर टिक्का रेडी हो गया है हमारा। और इसे आप जो है ना ऐसे भी सर्व कर सकते हैं सॉस के साथ, या फिर जो है ना चटनी वगैरह के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने आटा वगैरह गूंद के रख लिया था, और ये हमारी देखिएगा रोटी रेडी है, और इसमें जो है ना मैंने टिक्का लगा दिया है, ऊपर से सारे वेजीज मैंने डाल दिए हैं, और जो डिप हमने तैयार करके रखा हुआ है ना मज़ेदार सा, वो भी जो है ना इसके ऊपर से आप डाल देंगे। तो बस जी, यहाँ पर देखिएगा फाइनली हमारा जो ना पनीर टिक्का रोल बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, और बड़े भी जो है ना बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हमारा डिनर हो गया था, और मैं बनाने आई हुई हूँ यहाँ पर चाय, यानी कि अदरक वाली चाय जो है ना लाजमी है डिनर के बाद, मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर पीते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना चाय बन रही है हमारी मज़ेदार सी, और मेरी बेटी जो है ना वो भी आ गई है, उसने अपने लिए जो है ना ग्रीन टी बनाना है, तो बस वो भी जो है ना अपनी ग्रीन टी बनाने के लिए आ गई है। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दिए थे सुबह के लिए, क्योंकि कॉलेज जाना है, किसी को स्कूल जाना है। तो बस जी, यहीं तक था मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।